सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल ट्रिक चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। भैया बात करें व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप का आपके मोबाइल में होना जरूरी है और व्हाट्सएप के बगैर मोबाइल रखना तो बिल्कुल बेकार है, क्योंकि आज की जमाने में लोगों के पास टाइम बहुत कम है और व्हाट्सएप भी एक ऐसा चीज है जो एक दूसरे के साथ, मतलब आपको आपके फ्रेंड लोग के चाहे आपके रिश्तेदार लोग के साथ जोड़ के रखता है, और आपका जो मैसेज है वो आपके फ्रेंड के पास भेजता है और आपका जो फ्रेंड का मैसेज है वो आपके पास पहुंचाता है। और व्हाट्सएप जो है अभी काम करता है हमारे डाकिया का, जो कि पहले के जमाने में होया करते हैं, और एक दूसरे का मैसेज करता है कॉन्फ्रेंस। अगर ऐसे में आप किसी फ्रेंड के साथ कर रहे हैं चैटिंग और आपका जो नंबर है उस फ्रेंड ने कर दिया ब्लॉक और आपका नंबर कर दिया ब्लॉक लिस्ट में ऐड, तो आप कैसे करेंगे उससे बात? तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में करने वाला हूं बात। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर कुमार और आप देख रहे हैं YouTube चैनल टेक्निकल ट्रिक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भैया मैं आपको बताता हूं कि WhatsApp में आपका नंबर कोई फ्रेंड आपका ब्लॉक कर देता है, ब्लॉक लिस्ट में ऐड कर देता है, तो आप सबसे पहले जाते हैं YouTube की तरफ और वहां पे आपको बहुत सारी ऐसी वीडियो मिल जाती है जिसमें कि लोग दावा करते हैं कि आपका नंबर किसी फ्रेंड ने WhatsApp में ब्लॉक कर दिया, तो आप खुद से कैसे अनब्लॉक कर सकते हैं। एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है, और YouTube में अगर आप ऐसी कोई वीडियो देखते हैं तो भैया वो टाइम खराब करने वाला बात है, और पहले आप अपना अकाउंट डिलीट करते हैं, उसके बाद ऐसे कई सारे चीज करते हैं जिससे कि खुद का नंबर आप रिमूव कर सके। एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है, आप खुद का नंबर नहीं रिमूव कर सकते हैं ब्लॉक लिस्ट से। अगर रिमूव कर सकता है तो सिर्फ वही बंदा कर सकता है जिसने आपको ब्लॉक किया है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ सोल्यूशन है हमारे पास जिनके थ्रू उनसे हम चैटिंग कर सकते हैं, बात कर सकते। अगर आप चाहते हैं उनसे बात करना तो आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है भैया। अगर आप चाहे तो आपके करीब कोई फ्रेंड है उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भैया एक कोई ग्रुप क्रेडिट कर दो मेरे लिए, और उस नंबर को आप दे सकते हैं उस फ्रेंड को और उनसे बोल सकते हैं कि ग्रुप क्रेडिट करने के बाद इस नंबर को उसमें ऐड कर देना और उसके बाद मेरा भी नंबर उसमें ऐड कर देना, और उसके बाद आप बोल सकते हैं आप उसमें से लेफ्ट मार लेना और जो ग्रुप का सब्जेक्ट है वहां पे आप अपना नाम ही भरे। चाहे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसने आपका नंबर ब्लॉक किया है उस बंदे ने अपने मोबाइल में किस तरह से आपका नंबर कॉन्टेक्ट में सेव किया होगा। अगर आपका नाम लिखा होगा तो आप नाम भी लिख सकते हैं, नहीं तो नंबर भी लगाए तो वैसे ठीक रहेगा। अगर आप ग्रुप का कोई और नेम देते हैं तो उस बंदे को शक हो जाएगा और वो आपके साथ चैटिंग नहीं करेगा, और नहीं तो आपके पास दो नंबर है तो आप अपना जो नंबर है चेंज करके वहां से भी बात कर सकते हैं। अगर चेंज करके आप दूसरे नंबर से बात नहीं करना चाहते हैं जिस नंबर को उस बंदे ने ब्लॉक किया है उसी नंबर से बात करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपना नंबर चेंज कीजिए, और नंबर चेंज करने के बाद आप एक ग्रुप क्रेडिट कीजिए, और ग्रुप क्रेडिट करने के बाद आपने ग्रुप का जो सब्जेक्ट होता है जो नेम होता है वो अपना नंबर डाल सकते हैं। चाहे जैसे कि मैंने बताया आप अंदाजा लगा सकते हैं उस बंदे ने किस तरह से आपका नंबर कॉन्टेक्ट में सेव किया होगा, उस तरह से आप ग्रुप का नेम दे सकते हैं और उसके बाद उसका नंबर जो है उस ग्रुप में ऐड कर दीजिए, और उस ग्रुप का जो इनवाइट लिंक होता है उसको शेयर कर लीजिए, चाहे कॉपी कर लीजिए, और उसके बाद उस ग्रुप से आप निकल जाइए और सिर्फ एक ही आदमी रह जाएगा उसमें जिस फ्रेंड ने आपका नंबर ब्लॉक किया है उसका नंबर रह जाएगा, और उसके बाद आप उसमें से लेफ्ट मार लीजिए और आप फिर से अपने ओल्ड जो पुराना वाला नंबर था उसी नंबर के ऊपर व्हाट्सएप चलाइए, और व्हाट्सएप चलाने के बाद जिस लिंक को आपने शेयर किया था उस ग्रुप का उससे उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, और वहां से आप बड़ी आसानी से उनके साथ चैटिंग कर सकते हैं और उनसे बात भी कर सकते हैं। तो ये थी भैया कुछ टिप्स जिससे कि आपका नंबर कोई बंदा ब्लॉक कर देता है तो इन तरीकों से उनसे बात कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए।